चलिए आज बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। ओम्स लॉ हमारा आज का टॉपिक है, ओम्स लॉ। देखिए, हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर का दो इन पॉइंट है, तो दोनों के भी इन पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग होता है, और पूरे कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उनके बीच के डिफरेंसेस को निकालते हैं, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मान लेते हैं समझने के लिए कि ये एक कंडक्टर है, एक वायर है, ठीक है। ये दो पॉइंट से यहां से यहां तक, और इस पॉइंट इस वायर के अंदर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जो पोटेंशियल यहां है वो पोटेंशियल, एक पोटेंशियल यहां है भी है, और एक पोटेंशियल यहां है भी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस आएगा वी ए माइनस वी बी, इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं ना। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है बेसिक तौर पे। तो एक बात बताइए, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंसेस के बीच में रिलेशंस क्या है। उन्होंने जो रिलेशंस हम सबके सामने रखा, जो फॉर्मूला हमारे सामने रखा, उसी को हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उनका कहना था अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ कि जो पोटेंशियल्स होते हैं यानी भी जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट होंगे। करंट का फ्लो जितना ही ज्यादा होगा पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, और करंट का फ्लो जितना ही कम होगा पोटेंशियल उतना ही कम होगा। समझ रहे हैं भाई। दूसरी पॉइंट इनका यह भी था कि अगर किसी भी कंडक्टर में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, किसी भी अगर कंडक्टर में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो कम होगा। सिंपल सी बात है, रेसिस्टेंस का काम ही ये होता है फ्लो को रोकना। अगर वो ज्यादा रुकावट पैदा करेगा तो फ्लो कम होगा। तो उनका कहना था कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। ओके, तो बोल सकते हैं यहां पे कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी, ठीक है। आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, सो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रिलेशंस उन्होंने दिखाया किसके किसके बीच में, करंट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, और रेसिस्टेंस के बीच में। उन्होंने बताया कि तीनों के बीच में ये रिलेशंस होता है, जिसको हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आई आर। तो यहां से हमारे पास दो फॉर्मूला हो गया जिसको ओम्स लॉ के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर इन वोल्ट एंड करेंट इन एम्पेयर एंड रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन मेजर ओम्स, तीनों को अलग अलग यूनिट में मेजर करते हैं, है ना। तो मान लेते हैं अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट हो, ठीक है, पोटेंशियल क्या हो 1 वोल्ट, वी इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, रेसिस्टेंस इक्वल टू 1 ओम, ठीक है, और करंट इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो 1 वोल्ट बाय 1 ओम इक्वल टू 1 एम्पेयर, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उन्होंने ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि कैसे ये जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाइड कैसे कर रहा है। एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वेरिफिकेशन है, एक्सपेरिमेंट है वोल्टमीटर एमीटर मेथड। तो सबसे पहले हम एक बैटरी के साथ एमीटर, रजिस्टर्स,
रियोस्टेट और वोल्ट मीटर लगा देते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लगाते हैं, मीटर, रजिस्टर, रियोस्टेट, वोल्ट मीटर, ये सारी चीज़ें हम लगा दिए। क्लियर है? तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे पहले ये समझ लो कि रियोस्टेट होता क्या। आपने सबका नाम सुना होगा, रियोस्टेट आपके लिए न्यू होगा। तो रियोस्टेट एक तरह का वेरिएबल रजिस्टर होता है, जिसमें जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ा घटा सकते हैं। तो हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जो रियोस्टेट है उसको स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं यानी कि वो वेरिएबल होता है इसलिए उसको चेंज कर रहे हैं। तो जितना ही ज़्यादा हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो करेंट कम हो रहा है। तो पहली पॉइंट हमें ये देखने को मिला कि रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ा रहे हैं तो करेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ये बढ़ा रहे हैं तो ये कम हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा चीज़ हमने ये ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट में कि जो हमारा वोल्टेज है यानी पोटेंशियल है और करेंट है, उनका जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं कि हमारा अगर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो करेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो करेंट कम हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, पहली पॉइंट समझ में आ रही बात। और दूसरी पॉइंट इसके साथ ये है कि जो आई और वी का रेशियो है हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यानी रेशियो हमेशा इक्वल हो रहा है, का जो रेशियो है हमेशा क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो बोल सकते हैं आई बाई वी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, आई बाई वी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये आ रहा है। तो ये चीज़ें ये एक्सपेरिमेंट में निकल के आई। तो यहाँ से ओम्स लॉ दिया गया, बेसिक तौर पे ये एक्सपेरिमेंट जो है ओम्स लॉ को सेटिस्फाइड कर रहा है। बात समझ में आई होगी? तो नई एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। दीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो कैसे ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें पता है सबसे पहले कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है। जब कांस्टेंट होता है तो एक रेशियो में जब बढ़ेगा दोनों ही, तो इसका जो ग्राफ है हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि उसका रेशियो सेम है। ठीक है, मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, तो ये 3 तो ये 6, ये 4 तो 8, ये 5 तो 10। तो जब ये इस तरह के रेशियो में वो बढ़ेगा तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, एक स्लोप बनाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह का ग्राफ जो है वो बनेगा। ठीक है, इसमें भी दो तरह की कंडक्टर्स होता है, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो दो तरह का कंडक्टर होता है। एक कंडक्टर वो जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, दूसरा कंडक्टर वो जो ओम्स लॉ को फॉलो वही नहीं करता। तो एक को बोलते हैं ओमिक कंडक्टर और दूसरे को बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर क्या होता है कि ओमिक कंडक्टर आर द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, जिसके अंदर जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है। ठीक है, लीनियर ग्राफ बनता है, स्लोप जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर का, तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो ऐसे कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो स्लोप बनता है। ठीक है, ये समझ लीजिए, तो वो स्लोपिकल ग्राफ बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये कौन सा ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो नॉन ओमिक होते हैं। ठीक है, उसमें लाइक सेमीकंडक्टर हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, तो ये सेमीकंडक्टर होते हैं बेसिक तौर पे, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में यूज होते हैं। तो वो जो होते हैं उनका ग्राफ जो होता है वो सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ठीक है,
कर्व हो सकता है। तो अब इसके बाद जो टॉपिक्स आती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस, रेसिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, पॉइंट है रेसिस्टेंस इन सीरीज। रेसिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखिए जरा। तो रेसिस्टेंस इस तरह से सीरीज में कनेक्ट किया जा सकता है। सीरीज में कैसे कनेक्ट होता है कि कोई भी करंट जो है, कोई भी करंट एक रेसिस्टेंस से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाते रहता है, ठीक है। तो इस तरह का जो कनेक्शंस है वो सीरीज कनेक्शंस बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि करंट तो जा रहा है एक ही तरफ से, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, करंट का बंटवारा नहीं होता, एक ही करंट इस सब में चला जाता है। लेकिन अगर करंट सेम जा रहा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर रेसिस्टेंस में अलग अलग होता है, ठीक है। जैसा रेसिस्टेंस उतना पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पहले भी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है उसमें चार्ज का फ्लो कितना हो पा रहा है, इसी बात पर तो डिपेंड करता है। तो जितने सारे रेसिस्टेंस है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे, अलग होंगे। यहां पे अगर आप देखेंगे जरा, मान लीजिए एक रेसिस्टेंस ये है, दूसरा रेसिस्टेंस ये है और तीसरा रेसिस्टेंस ये है, क्लियर है। तो इसमें जो पोटेंशियल है, यहां ले करंट आई जा रहा है, तो यहां पे जो पोटेंशियल है भी भी वन आई आर वन, भी टू आई आर टू, भी थ्री आई आर थ्री होगा, अलग अलग पोटेंशियल्स होगा। लेकिन अगर टोटल पोटेंशियल्स को हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल हमारे पास आ क्या रहा है, तो क्या कर सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल क्या होगा। तो टोटल पोटेंशियल की बात करेंगे, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री आएगा। तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री यानी आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, ठीक है। तो अगर I को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल अगर निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर सीरीज में कनेक्शन है बाय द वे, तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम सीधा बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू R टोटल। अगर ऐड कर देंगे हम पूरे रेसिस्टेंस को और आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, यानी अगर कोई भी कनेक्शन सीरीज में होता है तो जो रेसिस्टेंस है वो ऐड होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन जब पैरेलल में रहेगा तो क्या होगा कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल, रेसिस्टेंस इन पैरेलल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये रेसिस्टेंस पैरेलल, तो इस फिगर में देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल कैसे रहता है। देखिए आप समझने के लिए ये सोच लीजिए कि जब करंट का बंटवारा हो, ठीक है, मान लेते हैं करंट यहां से आई जा रहा है, ठीक है, कुछ करंट इधर चला गया आई वन, कुछ करंट इधर चला गया आई टू और कुछ करंट इधर चला गया आई थ्री, ठीक है। तो जब करंट का बंटवारा हो जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में करंट चला जा रहा है, ठीक है, तो ये ऐसी जो सर्किट होगी वो पैरेलल में होगा। सबसे बड़ी बात ये है, तो पैरेलल और सीरीज समझिए कि पैरेलल कैसे होगा और सीरीज कैसे होगा। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि यहां पर करंट का बंटवारा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस वाले सर्किट रेसिस्टेंस में, पहले वाले रेसिस्टेंस में जो आ है उसमें जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेकेंड वाले में क्या होगा और थर्ड वाले में क्या होगा, ठीक है। तो वोल्टेज तो सेम है, पोटेंशियल तो सेम है, वो उसका इस तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है इस कंडीशंस में, क्योंकि जितना वोल्टेज है परिवर्तन कौन हो रहा है इस कंडीशन में, करेंट। तो हम बोल सकते हैं कि आई वन अगर हम निकाले जाएं तो भी जो हमारे पास पोटेंशियल भी बाई आर वन, क्लियर। अगर आई टू निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वी बाई आर टू, ठीक है, वी बाई आर टू।
अगर I3 निकालेंगे तो क्या होगा, V बाई R3। तो ये तीनों चीजें होगी। अगर टोटल करंट को ऐड करते हैं बाय द वे तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। अगर यानी कि V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, क्लियर है, ये हो गया हमारे पास I। तो यहां पे कॉमन सी बात ये है कि V अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, क्लियर है, ये आ रहा है I = 2, ठीक है। तो यहां पे अगर रेसिस्टेंस हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल तो वही रह जाएगा, ये 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर टोटल R निकालेंगे तो 1 बाई R = 2 हम लिख सकते हैं कि 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। तो यहां से निकालने, अगर R का वैल्यू निकालना है तो इसको सॉल्यूशन करके रेसिप्रोकल कर लीजिए, R का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सेम चीज ये होता है, अगर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है, तो रेसिस्टेंस सेम रहेगा इस कंडीशंस में। और आपने देखा कि कैसे निकालते हैं रेसिस्टेंस और करंट, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल इजीली कर लेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी न्यूमेरिकल्स का ही पोर्शन होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।